बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हावड़ा में कल जहां हिंसा हुई वहां से टीवी 9 भारतवर्ष ने ग्राउंड रिपोर्ट की है। हावड़ा के पंचशील अपार्टमेंट से टीवी 9 की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी विपिन चौबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विपिन, हावड़ा में हिंसा हुई, कई लोग घायल हुए, पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। आपके साथ बहुत सारे लोग हमें दिख रहे हैं, उन लोगों से जरा बातचीत करिए, उनका क्या मानना है, कैसे हिंसा की आग भड़की, क्या इसके पीछे उन्हें भी लगता है कि सुनियोजित तरीके से सब कुछ हुआ है? बिल्कुल अंजलि, मैं आपकी सवाल का जवाब लूंगा, आपके सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन सबसे पहले जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वहां की स्थिति समझिए। और कल 3 घंटों में इन लोगों के चेहरों पर दहशत देखिए, कल 3 घंटे इनके लिए कितने भारी थे। ये पंचशील अपार्टमेंट है और आप देखिए कितनी घनी बस्ती है, दोनों तरफ अपार्टमेंट है। ऊपर की तस्वीरें दिखाइए जरा, ये पंचशील रेजिडेंशियल सोसाइटी है और ठीक इसके बाहर आपको एक गेट नजर आ रहा होगा, इसी गेट के ठीक बाहर कल हिंसा की शुरुआत हुई। 3 से 4 घंटे यहां पर तांडव किया गया, पुलिस की मौजूदगी में किया गया और इस गेट को आप देखिए बांस लगाकर रोका गया, इस गेट को तोड़ दिया गया था। उसके बाद जो हिंसा करने वाले लोग थे वो इस सोसाइटी के अंदर घुस गए, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और जो लोग मिले उनको मारा पीटा भी गया। अब ये तमाम इसी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं जो इस गेट से बाहर निकलने की हिंसा खत्म होने के बाद हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। सीधे बिना वक्त जाया किए इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कल क्या हुआ था, कितनी दहशत, कितना ज्यादा डर? कल 1:05, 1:07 पर मैं यहीं पर मेरी ऑफिस के बाहर खड़ा था। एक बेक बस नमाज खत्म हुई, कल जुमे की नमाज के बाद में लोगों का एक हुजूम, 200-300 आदमी गेट को 3-4 बार धक्का दिए, गेट टूट गया। गेट टूटने के बाद 8-10 लड़के भीतर आकर यहाँ तक पत्थरबाजी खूब किए, जो दुकानें थी उसको सबको तोड़फाड़ किए। और चूंकि कल साल का अंतिम दिन था फाइनेंशियल ईयर का, मैक्सिमम जेंट्स अपने काम से चले गए थे, लेकिन हम लोग कुछ 5-7 आदमी यहाँ रहते हैं, मैं यहीं था। तुरंत हम लोगों ने सिक्योरिटी मेजर में जितना किया, कोई पुलिस प्रशासन का कोई सपोर्ट हम लोगों को नहीं मिला, भगवान भरोसे हम लोग रहे। इस तरह से कैसे देखा था माहौल, ऐसा मंजर यहाँ पर ऐसा है साहब कि मैं 35 साल से यहाँ रह रहा हूँ, पिछले साल भी रामनवमी का जुलूस निकला था और जैसे ही रामलला का दरबार जिस ट्रक पे सज के आया था, आधी घंटे के जुलूस निकलने के बाद तो ये सामने वाली बिल्डिंग से पत्थरबाजी, पत्थर क्या ईंट चली थी। और इस बार उस बिल्डिंग को शिफ्ट करके बगल वाली बिल्डिंग से जैसे ही 1 घंटे की प्रोसेशन, 17:16 तक मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, 17:16 पर चली गई, जैसे ही वो चली गई वैसे ही बंद कर, जैसे ही वो रामलला की जैसे ही वो आई ट्रक, उसके ऊपर बगल वाली बिल्डिंग से पत्थरबाजी शुरू हुई और भगदड़ मचनी शुरू हो गई। अच्छा, आपको लगता है ये सब कुछ प्लान था, सब कुछ प्लान करके कहा करा गया? बिल्कुल प्लान करके ही किया गया था। और कल की जो घटना थी, सारा शांतिपूर्ण माहौल था, उसमें अचानक ये लोग 1 बजे अचानक आते हैं, हम लोग का गेट तोड़ते हैं और गेट तोड़ के हमारी सोसाइटी के अंदर घुस जाते हैं और सोसाइटी के अंदर घुस के तोड़फोड़ करते हैं। आज हमारी सोसाइटी में जो सील किया हुआ है, पिछले 35 साल में पहली बार ऐसी अवस्था हुई है कि हम लोग को अपना सोसाइटी आप लोगों ने, मैं देख रहा हूँ सोसाइटी में अपने आप को कैद कर लिया, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। छत्ता से देख रहा था जो राम जन्म दिन वाला जो सीन था, इधर से पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस बहुत पुलिस पास में खड़ी हुई है, वो ये नहीं देख रही उसको रोकूं, वो देख रही है पत्थर कहाँ जा रहा है। अच्छा, ये टोटली पुलिस की, इतनी पुलिस होने के बाद भी ऐसी घटनाक्रम होना टोटली प्रशासन की नाकामी है। और ये नाकामी क्यों है, इसका सबसे बड़ा, अच्छा आप लोग बाहर, मैं देख रहा हूँ गेट पैक कर दिया गया, बाहर पुलिस वाले तैनात हुए, कोई बाहर नहीं जा रहा है आज। आज 1 अप्रैल का दिन है, हालांकि सैटरडे है, लेकिन फिर भी आप लोग बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हिम्मत कैसे करेंगे, कल हम गए थे ड्यूटी पे, ईयर एंडिंग का दिन था, बच्चे सब घबरा गए थे आने का, हम लोग मौका नहीं मिला है यहाँ पे। सारे डरे हुए बैठे हुए थे, बोल के आज कैसे जा सकते थे, हम बच्चों को छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे आज बच्चों को छोड़ के कैसे जाएंगे। डर लग रहा है फिर से हिंसा हो सकती है, डर काफी लग रहा है। अभी देखिए मैं थोड़ा सा इस बात को थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा, परसों ये काम क्यों हुआ, ये बहुत ही सोचने लायक चीज है। आज मतलब ये इससे पहले पिछली बार जब रामनवमी थी तभी काम हुआ था, इस बार काफी फोर्स थी, तो वी वर सो कॉन्फिडेंट कि नथिंग विल हैपन, इतने कॉन्फिडेंट हम लोग थे, हम लोग पूरी फैमिली यहाँ पर थे। हुआ क्या, जब इतना जब ऑलरेडी काम होता है तो पुलिस आगे भी जारी रखिए। और देखिए हमारे संवाददाता विपिन ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, वहां पर लोगों से बातचीत जो हो रही है उससे पता चल रहा है कि दहशत का माहौल कितना ज्यादा है। हालांकि पुलिस अब पूछताछ कर रही है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई लोगों को पकड़ा भी गया है।